आपका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडी स्पेस स्वागत है। सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स, जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ज्यादातर लोग कुछ गलतियां कर बैठते हैं। मैं इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूं कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके परिणाम बुरे होते हैं। देखिए, धर्म ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी की पूजा से हर मुसीबत दूर हो सकती है और मनोकामना भी पूरी हो सकती है। हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है हनुमान चालीसा का पाठ। और हिंदू धर्म से संबंध रखने वाले लोग नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, मगर ऐसा करते समय कुछ गलतियां कर देते हैं। देखिए, हनुमान चालीसा को ध्यान से पढ़ा जाए तो ये बात साफ हो जाती है कि गायत्री मंत्र की ही तरह इसमें भी भक्त भगवान से अपने लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना करता है। हनुमान चालीसा से अपने जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। अब गलतियां क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। हमेशा याद रखें कि भगवान हनुमान चालीसा का पाठ आप सदैव स्नान करके तथा साफ कपड़े पहनकर ही करें। बहुत से लोग चालीसा का पाठ सामान्य रूप से ही पूरा कर देते हैं, पर जब भी आप चालीसा का पाठ करें तो गंगाजल से स्नान करने के बाद ही करें। यह भी देखा गया है कि भक्त चालीसा का पाठ किसी प्रकार के आसन पर बैठकर कर लेते हैं, पर हम आपको बता दें कि भगवान हनुमान जी को लाल रंग बहुत प्रिय है और उनकी हर उपासना लाल रंग के आसन पर बैठकर जब आप करेंगे तो अच्छी तरह से फलीभूत होगा। कुछ लोग नहाने के तुरंत बाद सिर्फ टॉवल लपेटकर और भीगे शरीर से ही हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठ जाते हैं। ये गलत तरीका है। जबकि सुबह स्नान आदि करने के बाद लाल धोती पहनकर हनुमान जी के चित्र या मूर्ति के सामने बैठकर नियम पूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। कई बार लोग अस्वस्थ अवस्था, मतलब गंदे कपड़े और जो 16 जो स्त्रियां होती हैं उनके स्पर्श के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो ऐसी गलतियों को करने से आपको बचना पड़ेगा। यह बहुत जरूरी है। यदि संभव हो तो लाल रंग के वस्त्र भी पहने। तुलसी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है और भगवान राम उनके अवतार हैं, इसलिए यह भगवान हनुमान जी को भी प्रिय है। अतः जब भी आप उपासना को पूरा करें तो भगवान हनुमान जी को तुलसी दल का भोग जरूर लगेगी। चमेली का तेल, जनेऊ तथा सिंदूर भगवान हनुमान जी को बहुत प्रिय है, इसलिए भोग लगाने के बाद आप इन चीजों को जरूर अर्पित करें। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय बैठने के लिए आप जो इस्तेमाल कर सकते हैं, यदि लाल आसन आपको नहीं मिला तो आप कुशा के आसन का प्रयोग कर सकते हैं, ऊनी आसन का प्रयोग कर सकते हैं। अन्य आसन का उपयोग करने से पूजा का पूरा फल नहीं मिलता है। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सिर्फ ईश्वर भक्ति में ही आपका मन लगा हुआ होना चाहिए। इधर उधर की बातें सोचने से आपको बचना चाहिए, नहीं तो पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होगा। जिस स्थान पर हनुमान चालीसा का पाठ करें वो जगह नितांत स्वच्छ होना चाहिए, साफ और स्वच्छ होना चाहिए, नहीं तो पूजा का जो पूरा फल है वो आपको नहीं मिलेगा। वैसे तो मंगलवार या शनिवार को ही आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो ज्यादा अच्छा है, पर यदि संभव हो तो आप नियमित रूप से भी इसका पाठ कर सकते तो और भी अच्छा होगा। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि भगवान हनुमान की चालीसा का पाठ यदि आप करते हैं तो कम से कम 40 दिन तक लगातार नियमित रूप से कीजिए। तो इस प्रकार से यदि आप इन बातों को ध्यान रखेंगे जो मैंने आपको बताया है, तो फिर हनुमान चालीसा का जो एक्चुअल जो फल है वो आपको मिलेगा। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, कमेंट दीजिए और हम चाहेंगे कि आप हमारे वीडियोस को शेयर कर दीजिए ताकि ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं
वो सब तक पहुंचे, क्योंकि आज हमारे देश में, हमारे हिंदू धर्म में सब के सब हनुमान जी की पूजा जरूर करते हैं, और आज वही एक जागृत भगवान है जो आपके मनोकामनाओं को जल्दी सुन लेते हैं और पूरा करते हैं। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।